एक गांव में अर्जुन नाम का एक बेहद गरीब व्यक्ति रहा करता था। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अर्जुन गांव के अमीर लोगों के यहाँ थोड़ा बहुत काम करके अपना पेट पालता था। कभी कभी अर्जुन को काम मिलता तो कभी कभी नहीं, और जब अर्जुन को काम नहीं मिलता था तब अर्जुन बेचारा भूखे पेट ही सो जाता। एक दिन की बात है, अर्जुन जंगल की ओर से अपने घर आ रहा था। अचानक बारिश होने लगी। अरे ये क्या, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, मैं तो बुरी तरह से भीग जाऊंगा। तभी अर्जुन की नजर झाड़ियों पर बैठे हुए एक रंग बिरंगे तोते पर पड़ी, जो बारिश में भीग कर ठंड से कंपकपा रहा था। ये तो बहुत सुंदर तोता है, बेचारा ठंड से कांप रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन उस तोते के पास चला गया। अर्जुन एक केले के पत्ते को तोड़कर उस तोते के सर के ऊपर रख कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। अर्जुन अपने घर की ओर जाने ही वाला था कि तभी वह तोता अर्जुन की ओर देखकर बोला, तुमने मेरी मदद की है मेरे मित्र, आज से तुम मेरे दोस्त होए। तोते को बोलता देख अर्जुन हैरत से और हंसते हुए बोला, तोते तो मैंने बहुत बोलते हुए देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जितना साफ बोलता तोता मैंने कभी नहीं देखा। मैं कोई मामूली तोता नहीं हूँ मेरे दोस्त। पता है, कुछ देर पहले तुम बारिश में भीग रहे थे, अगर मैं ठंडी बारिश की बूंदों से तुम्हें ना बचाता तो तुम ठंड से मर जाते, चलो मेरे साथ। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी वो तोता उड़ता हुआ अर्जुन के कंधे पर बैठ गया। अर्जुन सीधा अपने घर पर आ गया। अरे ये क्या, तुम्हारे पास तो घर के नाम पर ही टूटी फूटी झोपड़ी है। बस यही अपना आशियाना है मेरे दोस्त। तुम इतने गरीब क्यों हो? वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि मुझे धन कमाने की कोई लालसा नहीं है, बस पेट भरने के लिए भोजन मिल जाए मेरे लिए यही काफी है। आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और मैं अपने मित्र को इतनी गरीबी में नहीं देख सकता, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैं कोई मामूली तोता नहीं हूँ, मैं एक जादुई तोता हूँ, और मैं सब जानता हूँ कि इस पृथ्वी पर खजाना कहाँ कहाँ है। तोते की बात सुनकर अर्जुन खुश हो गया। वो तोता असल में एक जादुई तोता था। उस जादुई तोते ने अर्जुन को बताया कि जंगल की गुफा के पास की जमीन के नीचे बहुत सारा खजाना कढ़ा हुआ है। अर्जुन उस रात सारे खजाने को निकाल लाया। कुछ ही दिनों में अर्जुन देखते ही देखते बेहद अमीर हो गया। अर्जुन और तोते की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती चली गई। अर्जुन दिन भर अपने मित्र तोते के साथ बातें करता रहता, और गांव के जितने भी गरीब व्यक्ति होते उन सब की दिल खोलकर मदद करता। और ये बात गांव के एक दूसरे व्यक्ति पप्पन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो क्रोधित होता हुआ अपने आप से बोला, समझ में नहीं आता कि आखिर अर्जुन इतना धनवान कैसे बन गया। भिखारी कहीं का कुछ समय पहले मुझे काम मांगा करता था, मुझे पता करना ही होगा। पप्पन ने अर्जुन के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन वो चुपके से अर्जुन के घर के अंदर घुस गया, और उसने अर्जुन और तोते को बातचीत करते हुए देख लिया। तो ये बात है, इसके पास ये जादुई तोता है, रात को जब अर्जुन सो जाएगा तब मैं उसे सोते हुए पकड़कर ले जाऊंगा और इससे खजाने के बारे में पूछूंगा। रात में जब अर्जुन गहरी नींद सो गया तब पप्पन अर्जुन के कमरे में घुस आया, और उसने तोते को कसकर पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। जरूर छोड़ दूंगा, पहले मुझे ये बता कि इस पृथ्वी पर कहां कहां खजाना गड़ा हुआ है, मैं इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। नहीं, मेरी शक्तियाँ जब ही काम करती हैं जब मेरे सामने कोई मन का सच्चा व्यक्ति होता है। तुम अंदर से कपटी हो। तोते की बात सुनकर पप्पन बुरी तरह से क्रोधित हो गया। सीधी तरह से बता दे नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। पप्पन की बात सुनकर बेचारा तोता बुरी तरह से डर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से अर्जुन को आवाज लगाने लगा। अपने मित्र की आवाज सुनकर अर्जुन तुरंत उठकर बैठ गया, और अपने सामने पप्पन को देखकर वो क्रोधित होते हुए बोला, मेरे दोस्त को छोड़ दो पप्पन। अर्जुन को सोते से उठता देख पप्पन बुरी तरह से घबरा गया, और उसने एक ही झटके में उस तोते की गर्दन मरोड़ दी। उस जादुई तोते ने छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। अर्जुन बुरी तरह से रोने लगा। ये तुमने क्या किया? भला एक पक्षी को मारकर तुम्हें क्या मिल गया? ये मेरा इस संसार में सबसे अच्छा मित्र था।
तो तुम क्या करोगे? मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओगे? जाओ, जाकर कर दो। इतना कहकर पप्पन वहाँ से चला गया। अर्जुन अपने उस तोते को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मेरे दोस्त, मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लाता तो तुम आज जीवित होते। उस दिन के बाद अर्जुन का दिल इस संसार से हट गया। अर्जुन ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दी और वो उसी जगह पर कुटिया बनाकर रहने लगा जिस जगह पर पहली बार उसे उसका दोस्त वहां मिला था। उस जगह को देखकर अर्जुन की आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। एक जंगल में एक भूरा नाम का बूढ़ा सांप रहता था। उसके अंदर इतनी फुर्ती नहीं रह गई थी, इसलिए वो अपना शिकार ठीक से नहीं पकड़ पाता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगा और एक दिन ऊपर पहुंच जाऊंगा। अरे चुप हो जाओ, एक अच्छा शिकार आ रहा है। वो बिल से निकलकर एक्टिंग दिखा रहा है। आजा चूहे राजा, मेरे पास आ जा। भूरा चुप होकर बैठ गया और चूहा उसके नजदीक आ गया। भूरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। चूहा इधर उधर बेफिक्र होकर घूमने लगा। भूरा ने अंदाजा लगा लिया कि शिकार उसकी पहुंच में आ गया है, तब वो उसकी तरफ बढ़ गया। लेकिन अफसोस, चूहा कूद कर भागा और बिल के अंदर चला गया। एक चिड़िया ने भूरा का मजाक उड़ाया। किसी चूहे को पकड़ना इनके बस की बात नहीं है, अब इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। बेचारा भूरा। भूरा शर्मिंदा होकर वहाँ से चल पड़ा और चलते चलते उसे बहुत दूर एक तालाब दिखाई पड़ा। वो तालाब के पास पहुंच गया। उसने ध्यान से देखा तो पूरे तालाब में बहुत से मेंढक तैर रहे थे। उसके मुंह में पानी आ गया। उसके मन में विचार आया, इस तालाब में शिकार की भरमार है, अब मुझे चूहों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंढक साफ सुथरे होते हैं, चूहे बिल से आते हैं इसलिए मटमैले होते हैं। भूरा डेरा डालकर किनारे पर बैठ गया। एक मेंढक किनारे पर आया और जैसे ही भूरा उसकी तरफ लपका, वो मेंढक पानी में कूद गया। अरे मैं सचमुच बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं मेंढकों को भी नहीं पकड़ पाऊंगा। क्या हुआ सांप राजा, मुझे पकड़ने आए थे? अरे नहीं नहीं, मैं तो अब शिकार नहीं करता, मैं तो पूजा पाठ करने लगा हूँ। मांसाहार करना मेरे लिए वर्जित है। मैं आगे नहाने के लिए बढ़ा था, तुमने अलग अर्थ लगा लिया। देखो अब मैं डुबकी लगाऊंगा और इसके बाद पूजा करके जाऊंगा। इतना कहकर सांप पानी में कूद पड़ा और नहाने लगा। उसके आसपास मेंढक थे लेकिन उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेंढकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने सारे मेंढकों को एक साथ देखकर भूरा के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो शराफत का ढोंग रच रहा था। अरे सांप राजा, आप तो सचमुच बड़े साधु पुजारी हो गए हो, पूजा पाठ से क्या लाभ होगा? अरे बहुत लाभ होगा, मन शुद्ध रहता है, प्रसन्न रहता है, शरीर भी तरोताजा रहता है, अगले जन्म में मनुष्य का तन मिलता है। ये तो सभी जानते हैं कि मनुष्य हर प्रकार के सुख का उपभोग कर रहा है। अच्छे भोजन, कपड़े, निवास, गीत संगीत, हर प्रकार का आनंद उठा रहा है। अरे महाराज, तो आप भी पूजा करके अगले जन्म में मनुष्य बन जाएंगे? हम सब तो यूं ही भटकते रह जाएंगे, न जाने कौन सा जीवन पाएंगे। हमें भी राह दिखाइए, पूजा की विधि बताइए। भूरा मेंढक की बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। हाँ नागराजा, हम भी पूजा करेंगे, हम भी अगले जन्म में मनुष्य बनना चाहते हैं। हमें मेंढक की जिंदगी नहीं चाहिए, टर टर करते रहते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं। बरसात तक तो ठीक है, लेकिन गर्मी के महीने में हमें मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलती, कहीं किसी मिट्टी की दरार में चिपके रहते हैं। तुम सब लोग आपस में मिलकर तय कर लो तो मैं तुम लोगों को पूजा करना सिखाऊंगा। ठीक है, हम आपस में बात कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सभी मेंढक तालाब के बीच में इकट्ठा हुए। उन्होंने आपस में चर्चा की और उनके मन में पूरी तरह से मनुष्य बनने की लालच आ गई। उनका सरदार मेंढक किनारे पर आ गया। नागराजा, हम सभी ने मिलकर इस बात पर चर्चा की और हम लोग पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं। हमें राह दिखाइए। देखिए, यहाँ से दूर जंगल में एक छोटा सा मंदिर है, मैं वही पूजा करता हूँ।
मैं प्रतिदिन तुम में से एक मेंढक को वहाँ ले जाकर पूजा करवा सकता हूँ। तुम इनके सरदार हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें लेकर जाऊँगा। अपने साथ तुमसे भी पूजा करवाऊँगा, मुक्ति पाने की राह दिखाऊँगा। मुक्ति पाने की राह, क्या मतलब? मेरा मतलब आगे चलकर मेंढक योनि से मुक्ति पाकर मनुष्य योनि में जाने का रहा। वहाँ भी सरदार बनकर राज करोगे, गाड़ी मोटर नौकर चाकर सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। यह सब तो एक सपने जैसा है, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? अरे मिट्टी के माधव, शत प्रतिशत ऐसा ही होगा। इसीलिए तो पहला नंबर तुम्हारा ही लगा रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। सरदार मेंढक बहुत प्रसन्न हो गया। लालच में आकर उसने आंख बंद करके सांप भूरा की बात पर विश्वास कर लिया। वो भूरा के ऊपर सवार हो गया और भूरा उसे लेकर चल पड़ा। वहाँ से बहुत दूर जाकर भूरा ने सरदार मेंढक को तो नीचे उतरने के लिए कहा। अब पूजा की तैयारी होगी, सबसे पहले पेट पूजा होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, खाइए खाइए, पेट भर कर खाइए। अचानक भूरा ने सरदार मेंढक को पकड़ लिया और देखते ही देखते खाकर अपनी पेट पूजा कर ली। दूसरे दिन भूरा फिर से उसी तालाब के पास पहुंच गया। उसे देखकर मेंढक उसके पास आकर इकट्ठा हो गए। अरे नागराजा, हमारे सरदार कल आपके साथ गए थे लेकिन लौट कर नहीं आए। भूरा मुस्कुराने लगा और उसने सबको समझाया। तुम्हारे सरदार को मैंने पूजा की सही विधि समझा दी है, वो पूजा करके वही पास के तालाब में निवास करेंगे। वो बलवान और धनवान बनना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। हमें भी अच्छा इंसान, धनवान और बलवान बनना है। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ, अब मेरा मतलब तुम लोगों का भला चाहता हूँ। चिंता मत करो, एक एक करके सबको उसी राह पे ले जाऊंगा, लेकिन ये बारी बारी से ही होगा। मैं स्नान कर लेता हूँ। भूरा तालाब में कूद कर नहाने लगा और कुछ ही देर में बाहर आ गया। एक जन तैयार हो जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, पूजा के पहले मैं पेट पूजा करता हूँ। पेट पूजा? अरे डरो नहीं, मैं वहाँ जाकर ही अपना नियमित आहार लूँगा, तभी तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मनुष्य योनि चाहिए? हाँ महाराज बिल्कुल चाहिए। मेंढक को उसने अपनी पीठ पर बिठा लिया और फिर वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से बहुत दूर ले जाकर उसने उस मेंढक को भी खा लिया। इस तरह से वो धूर्त सांप प्रतिदिन एक भोले भाले मेंढक को अपने साथ ले जाता और उसे खा लेता। लालच और अंधविश्वास के वशीभूत सभी मेंढक एक सर्प पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे। इसी अंधविश्वास के कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए कभी भी किसी के बहकावे में ना आकर अपनी बुद्धि का उपयोग करके कोई भी काम करना चाहिए। अंधविश्वास का अंजाम बुरा ही होता है।